आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पाइसी पनीर मोमोज विद चटनी रेसिपी। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज कटोरी में मैदा लिया है। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पाव पनीर को ग्रेट कर लिया। एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है और एक बड़ी गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर एक बड़ी शिमला मिर्च को मैंने छोटा छोटा काट लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है। यहाँ पर एक चम्मच मैंने मैगी मसाला लिया है और एक चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मैगी मसाला ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है और दो चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है। यहाँ पर टोमेटो केचप है और जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैंने काली मिर्च को, खड़ी काली मिर्च को कूट कर बारीक कर लिया है। ये तीन टमाटर मैंने काट कर और साथ में खड़ी लाल मिर्च ली है और इसको उबाल लिया है। टमाटर के छिलके मैंने अलग कर लिए हैं, ये चटनी बनाने के लिए है। थोड़ी सी हरी धनिया मैंने ली है। सबसे पहले हम पनीर को ले लेंगे। फिर इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे। अब इसमें ग्रेट किया हुआ हम गाजर डालेंगे, ये हमारी स्टफिंग रहेगी पूरी। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च डालने से इसका फ्लेवर आता है। मैं इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला मिक्स कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च। अब हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच से भी कम सोया सॉस को ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो इसमें इसका टेस्ट ज़्यादा आ जाएगा। अब हम इसका डो बनाएंगे मैदे का। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक मिलाया है और सोया सॉस में भी नमक था, तो इसमें हम थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम हाथ से मसल के, जो तेल का मोयन दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, ये आप ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं, इससे ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम हाथ से इसको पूरा मिला देंगे। इस तरह से हमको दबा कर देखना है, पूरा हमको मिक्स कर देना है। फिर हमको धीरे धीरे इसमें पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो बनाना है। हमारे मैदे का डो लग चुका है, देखिए आपको ये सॉफ्ट लगाना है। इसको अभी हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इसके पहले टमाटर और लाल मिर्च को पीस लेंगे, फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे। पैन में हमने सिर्फ एक चम्मच तेल लिया है। अब हमने जो टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे।
आधा चम्मच इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डालेंगे। थोड़ा इसमें वेनेगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2-3 मिनट पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी चटनी बनी है इसकी। जैसे आप स्ट्रीट स्टाइल देखते हैं ना, जहाँ मोमोज आप खाते हैं, वैसे आप घर पर भी बना सकते हैं और इसका कलर भी सेम वैसा ही आता है। ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टीम करने के लिए मैंने कुकर का यूज़ किया है। इसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है ताकि पानी जब तक हमारे मोमोज रेडी होते हैं तब तक वो अच्छी तरह से खौलने लगे। ऊपर जाली के लिए मैंने ये जो हम वेजिटेबल्स ड्रेन करते हैं पूरा पानी, वैसे हमने जाली ली है और इसको मैंने ऑयल से पूरा ग्रीस कर दिया है। डो रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। आपको इस साइज़ की लोइयां बनानी है। इसको हमको पूरी के आकार का बेल लेना है और आपको ध्यान रखना है कि ये मोटी ना रहे। देखिए, आपको इसको इतना पतला ही बेलना है और ध्यान रखना है कि ये सभी तरफ से बराबर हो। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। आपको इसमें स्टफिंग को बहुत ज़्यादा नहीं रखना है कि आपका ये बिल्कुल ओवर रोट लगे। अब इसके बाद या तो आप इसको पानी से ग्रीस करके इसको चिपका सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी चिपका सकते हैं, ये निकलेगा नहीं। आपको इसमें ये परत को एक के ऊपर एक ऐसे ले जाना है। ये सभी साइड से आपको ऐसे ही करना है। देखिए, इस तरह से आपको ये तैयार कर लेना है। ये आपका, जब आप इसे स्टीम करेंगे तो ये फटेगा भी नहीं और यहाँ से ये मोटा भी नहीं रहेगा। इस तरह से आपको सारे मोमो तैयार कर लेने हैं। मोमोज स्टफिंग के साथ तैयार हो गए हैं और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ट्रांसपेरेंट जो हमने पूरी बनाई है मोमोज़ के लिए, वो ट्रांसपेरेंट है और जब ये पक जाएंगे तो ये आपका जो स्टफिंग है वो क्लियर दिखने लगता है। उसका साइन यही होता है कि यदि आपकी स्टफिंग साफ दिखाई दे रही है तो मोमोज़ पक चुके हैं। अब हम इसको स्टीम के लिए रखेंगे। हमारे स्टीम के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको हमने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। इसमें हम एक एक करके तैयार मोमोज़ को रख देंगे और इसे अच्छी तरह से ढाँक देंगे ताकि भाप कहीं से भी निकले ना। फिर इसे हम 10 मिनट बाद देखेंगे। यदि ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगते हैं तो इसका साइन है कि ये पक चुके हैं, नहीं तो हम इसे 5 मिनट और देंगे। आपको मोमोज को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखना है ताकि ये आपस में चिपके ना। अब हम इसको ढक देंगे।
और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोमोज की स्टफिंग थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी है। इसको हम सिर्फ 5 मिनट और स्टीम में रखेंगे, फिर मोमोज तैयार हैं। मोमोज अच्छी तरह से पक जाएं स्टीम में, इसके लिए हम इसको अभी पलट देंगे और ये जो भाग है इसका थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे ताकि ये कच्चे ना रहें। ठीक है, आप इसी तरह से करिएगा, ऐसे निकालिएगा मत। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा टच ना करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और लाइक शेयर तो बिल्कुल करें ही करें। थैंक यू।